ठीक है ठीक। आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के इस प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों पत्रकार बंधुओं एवं इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्मानित निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी जी, इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे वर्तमान में संरक्षक साहब सिंह धनगर जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर राम बक्ष वर्मा जी और यहां पर कई दर्जन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपस्थित इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुलेमान जी, बहुजन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने जी, सब जन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई शिव प्रसाद यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व में डीजीपी रहे श्री पृथ्वीराज जी, पूर्व में जिला जज रहे माननीय बीडी नकवी जी, पूर्व में मंत्री एवं सभापति विधान परिषद रहे माननीय के गौतम जी, पूर्व मंत्री पार्टी के अध्यक्ष माननीय विजय यादव जी, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति जी, इसके साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह चौहान जी, अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह निषाद जी, डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गिल जी, गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन भारती जी, भारतीय सबका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दयाल सेठ जी, सब लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार मौर्य जी के साथ साथ हमारे बीच में विराजमान भाई सूरतपाल कश्यप जी, माननीय धनपत राम विद्रोही जी, भाई गंगाराम जी, भाई यत्र सिंह पाल जी, और इसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित शकुंतला भारती जी, आरपी सिंह जी, सतबीर सिंह नरेंद्र यादव जी, और इसी के साथ में अपनी जनता पार्टी ठाकुर स्व संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदपाल सिंह जी, कमेटी के अब्बास जी, इंसानी भाईचारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय मोर्चा के भाई रामकिशन सिंह जी,
नव भारत समाज पार्टी के हरकेश यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित डॉक्टर सिंह गौतम जी, सतबीर सिंह जाटो जी, हरिओम सिंह कुशवाहा महानवादी पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारी सतीगण, रामचंद्र जी, ईश्वर जी, भेजू खान जी, भाई कुदूस मानवर कांसी राम साहब जी के सहयोगी रहे, हमारे बान से बहुत ही पुराने साथी विनोद मिलिंद जी, शत्रुघ्न जी, आर के मौर्या जी, राजेश जी, संजीव जी, गुलाब जी, रामधार कुशवाहा जी के साथ हम सबके बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित साथी भाई आशीष जी, ब्रजेंद्र यादव ललई जी, प्रेम सिंह शाक जी, राजेंद्र जी, राहुल कुमार जी, अनिल जी, अजय जी, आशीष मौर्या जी, रई संसारी जी, कौमी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रई संसारी जी, दीपक कुशवाहा जी, महकार सैनी जी, शत्रुघ्न जी, रजनीश जी, दामोदर जी, अनुज नंदवंशी जी, इसी के साथ आर ए सिंह अर्घवंशी जी, आलोक कुशवाहा जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, भाई रजनीकांत मौर्या जी, रामायण मौर्या जी, रमेश सैनी जी, विमलेश मौर्या जी, जितेंद्र सिंह जी और तमाम ऐसे साथी जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर के आज प्रदेश के सचिव थे, हमारे पूर्व मंत्री श्री के गौतम जी, उन्होंने इस्तीफा तो पहले सौंप दिया था, आज समाजवादी पार्टी की संस्था से भी, प्राथमिक सूत्र से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई रजनीश मौर्या जी, समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय स्वागत करता हूं। अंबेडकर नगर के भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, उन्होंने अपने पर इस्तीफा दिया। यह मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में पदाधिकारी बनाए गए थे, उन्होंने अपने आज प्राथमिक सदस्य इस्तीफा देकर मैं उनको अभी स्वागत करता हूं। इस प्रकार से हमारे तमाम भाई रामेश्वर कुशवाहा जी, रामधार कुशवाहा जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं, सबका नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा, इन लोगों ने इस्तीफा दिया और आज मेरा हौसला अफजाई किया, नई पारी की शुरुआत के लिए इन लोगों ने जो साथ दिया है उन सबका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, साथियों, आज देश संकट की दौर से गुजर रहा है, भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। यही नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, बिना विज्ञापन निकाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यह कहकर के सभी विभागों में, मेडिकल विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक वर्ग विशेष के लोगों की तैनाती की जा रही है।
आज देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाया जा रहा है, रोटी के लिए मोहताज बनाया जा रहा है। आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है, किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई, किसानों पर बर्बर पुलिस की लाठियां भाजी जा रही हैं, किसानों के रास्ते में कील और कांटे बिछाए जा रहे हैं। एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यही नहीं साथियों, देश के लघु एवं मध्यम व्यापारी जिन लोगों ने इनको सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, पहले उनका शोषण जीएसटी के नाम पर किया गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के जिले, तहसील, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है देश में विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं के खिलाफ एक एक कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से तथ्यहीन मुकदमे दर्ज करा करके उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू जी तेजस्वी हो, और वहां के मुख्यमंत्री जी जो पलटू राम बनकर के पलटी मार गए, नीतीश जी हो, वो भी इसी दांव के चक्कर में घुटना टेक दिए चले गए, और चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हो, इस प्रकार से देश में जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा न हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा न हो, आज लोकतंत्र को बचाने की बात न हो, संविधान से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग भाग्य भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर, इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, यह बुद्ध की धरती रही है, यह महावीर जैन की धरती रही है, जहां से भाईचारे का संदेश
कभी पूरे दुनिया में दिया गया था। और साथियों, मानो मानो एक समान की विचारधारा पूरे दुनिया में दिया गया था, आज उसको खंडित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था, आज उसको तोड़ा जा रहा है। धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे हुए भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। फिरका परस्ती पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है, वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया, LIC जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी हाथों में चले गए तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकारी विभागों में ही आरक्षण लागू होता है। जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जात का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजात का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है, देश की जनता की गाढ़ी कमाए खून पसीने की मेहनत से आए हुए टैक्स के बिना पर बने हुए सरकारी संपत्ति, संपदा और विभाग एक एक करके उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन आता है पिछड़ों के 27% आरक्षण के बजाय 27 के सापेक्ष मात्र कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण भाई 23% के सापेक्ष कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2% में समेट दिया जाता है। यहां तक कि तमाम विभागों में हमने यह भी देखा कि विज्ञापन में ही कहीं कहीं पिछड़ों के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो कहीं पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है। साथियों, आज ये सरकार देश के लोगों के आंख में धूल झोंक रही है।
एक कहावत है, गांव में लोग कहते थे राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राम जप करके पूरे देश का माल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान हो जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की इनकी नापाक कोशिश है। ये धर्म के नाम पर आपको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज बेरोजगार नौजवानों के अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा सड़क पर ना आए, इसलिए धर्म और राम की दुहाई देकर उन नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। दुगनी लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज एमएसपी की मांग पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन न करे, इसलिए धर्म के नाम पर धर्म की घुट्टी पिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं। इनका धर्म आस्था से नहीं जुड़ा, इनका धर्म बेरोजगार नौजवान आवाज न उठाए, किसान आवाज न उठाए, व्यापारी धनाशोषण के विरोध आवाज न उठाए, देश बेचने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने के विरोध में कोई आवाज न उठाए, संविधान को खत्म करने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की दुहाई देकर राम का नाम लेकर पूरे देश को ठगने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, राम लला मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो यह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि हम सबकी आस्था न्यायपालिका में। अब बाबा ही ये ले रहे हैं कि हमने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा कर ये साबित करना चाहते हैं राम को हमने पैदा किया, राम को हमने जीवन दान दिया। अरे माननीय मोदी जी, अयोध्या में जिस राम की हजारों साल से पूजा हो रही है, जिसे लोग भगवान मानकर के मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है, तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो, ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम का अपमान भी है। भगवान को, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता? जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी चूना लगाने से ये बाज नहीं आते हैं, आप सब तो इंसान हो। यानी आप सब तो इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। इसे साथियों में कहना चाहता हूं, आज
इनके गुबराहियत में मत आना। आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, देश की करोड़ों करोड़ों जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों को दुगना लाभ न देना पड़े ये आवाज दबाई जा रही है। हम किसानों के ऊपर हो रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आएंगे। इसी के साथ ही साथ आज जो लोग मंसूबा पाले हैं, अभी पूर्व मंत्री श्री भगवती सागर जी एक अखबार की कटिंग दिखा रहे थे जिसमें आरएसएस ने अपना उस समय दिया था कि नए संविधान का प्रारूप क्या है, यानी संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों जानते हो, इस सुअवसर लाने के लिए हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कभी संतों गुरुओं ने लड़ी, संत रविदास जी ने लड़ी, संत कबीर जी ने लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, तो कभी हमारे सामाजिक क्रांति के अन्य महापुरुषों में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबाराव फुले जी ने लड़ी। इस देश की प्रथम छत्रपति साहू जी महाराज इस लड़ाई को लड़े, अवसर मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी महापुरुषों की उस तड़पन को, उस विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश को एक ऐसा भारतीय संविधान दिया जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो यहां पर बैठे हैं, भारतीय संविधान के पहले हम सभी लोगों को शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। हमें भारतीय संविधान बनने के पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बहनें और बेटियां ऊंचाइयों के शिखर पर हैं, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के रूप में, ये देन भारतीय संविधान की है। आज हमारे बीच में यहां तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, डीजीपी आदि आदि लोग बैठे हैं, जज आदि तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये देन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। क्योंकि जब तक भारतीय संविधान नहीं था, मनु का संविधान था, उस समय एक कहावत चलती थी, नारी शूद्रो न धीयताम। इस देश की स्त्रियों को किसी भी वर्ग और जात की हो, और देश के शूद्रों को पढ़ाई शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और इसीलिए इनकी व्यवस्थाकारों ने लिखा अपने धर्म ग्रंथों में, यहां तक कि शूद्रों के लिए लिखा गया मनुस्मृति में, शूद्रम तु कार्येत दास्यम, कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना,
ब्राह्मणंतु स्वयं भुआ, यानी शूद्र को गुलामी करनी है। ब्राह्मण तो स्वयंभू भगवान का अवतार है, उसको कुछ नहीं करना है। यद्यपि ब्राह्मण समाज में भी तमाम ऐसे विद्वान पैदा हुए जो इस सुनी गली व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद किया। पंडित राहुल संचत्यायन, जिसका नाम था केदारनाथ पांडे, उन्होंने इस व्यवस्था को खुल करके विरोध किया। और साथियों, प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी, जो बीचू के पाली भाषा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, इस जात पात छुआछूत ऊंची भेदभाव मूलक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। आज भी ब्राह्मण समाज के तमाम ऐसे विद्वान हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो अपना सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन और किसी को सम्मान नहीं देना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसके जीवंत मिसाल थे। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे अपने जमाने में, लेकिन जब भारत में आते हैं बड़ी विद्वता की डिग्रियां बड़ी बड़ी लेकर के, तो जात पात छुआछूत ऊंच नीच का दंश हर कदम पर उनको झेलना पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान बनाते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उनकी ये महानता थी, चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जनजातीय अत्याचार अन्याय किया था, उनके खिलाफ बदले की भावना से कुछ अन्यथा लिख सकते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हजारों साल की पीड़ा झेलने के बाद भी आपने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, समान संविधान बना करके सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। इसके लिए आज पूरा देश आपके लिए ऋणी है। आज पेरियार रामास्वामी नायक नारा नागुरु संत गाड़े, रामसु वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, शहीद जगदेव कुशवाहा बिहार, इन महापुरुषों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशी राम जी ने जो एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चलते हुए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माध्यम से मैं सबके सम्मान, स्वाभिमान, सत्ता शासन में हिस्सेदारी को बराबर सुनिश्चित करने का काम करूंगा। यह हमारा संकल्प है। साथियों, हमने छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक, नारायण गुरु संत गाड़गे को तो नहीं देखा, लेकिन इनके विचारों के कारवा के संवाहक मानवर कांशी राम जी के साथ लंबे अरसे तक काम करने का अवसर जरूर मिला है। आज मैं मानवर कांशी राम जी के सामाजिक परिवर्तन रूपी स्कूल का पढ़ा लिखा छात्र रहा हूं, और इसलिए मेरे लिए कोशिश होगी
कि जो मानवर कांशी राम जी का सपना था, मानवर कांशी राम जी का सपना था, अपने भाषणों में शुरुआती दौर में कहते थे, कैडर कैंपों में कहते थे, और एक बार मीडिया के लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो गया, एलचिको होटल में बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब DS4 बनाया, और DS4 के बाद जब उन्होंने BSP बनाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब आपके महापुरुषों का सपना क्या था, तो मनोहर कांशीराम जी ने कहा था मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। ये शब्द मनोहर कांशीराम साहब के थे, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन मनोहर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न लड़ना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, आगे आगे ही बढ़ता चलूंगा। इस साथियों, हम जानते हैं, हमें भी जानते हैं कि तीन चार दिन की तैयारी में आपको यहां आना पड़ा। हमें भी जानते हैं कि रास्ते में गाजियाबाद नोएडा सीमा पर आपको बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। बहुत से साथियों को बसें वहां पर रोक ली गई, आने भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद इतने कम समय में आपने जो इस प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति दर्ज करा करके मेरा हौसला अफजाई किया है, इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से सदैव आगे भी मिलता रहेगा, और साथ ही साथ हमें भी जानते हैं कि आप को जल्दी जाना भी है, बहुतों की ट्रेनें इंतजार कर रही होंगी, बहुत की ट्रेनों का समय भी हो रहा हो, जो लोग बस बॉर्डर पर छोड़ के आए उनको वहां बस भी पकड़ना हो किसी रूप में, ये भी जानता हूं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश की हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने जो मुझसे उम्मीदें रखी हैं, आपकी उन उम्मीदों की कसौटी पर मैं खरा उतरूं। इसके लिए जितने भी संघर्ष की आवश्यकता होगी उतने संघर्ष किए जाएंगे, उतनी मेहनत की जाएगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कभी भी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा उठा के रखूंगा। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन्न है, आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है।
साथियों, हमारी कोशिश होगी इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए, इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए, और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम सबका संकल्प होगा। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है, वो गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों ने, 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं, उन सबको भी बहुत बधाई शुभकामना। साहब सिंह धनगर जी एक साल से मेरे पीछे लगे हुए थे, और साथियों उसके पूर्व की सारी कहानी प्रोफेसर रामवृक्ष वर्मा जी बता चुके हैं, धनगर जी बता चुके हैं, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि भैया जी धनगर इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 4 महीना पहले दिलीप चौधरी जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इसकी जिम्मेदारी सौंपी। 1 साल से ये इतने धुन के पक्के थे कि ये निराश नहीं हुए, और इरादा इनका इतना पक्का था, विश्वास था कि आज नहीं तो कल मौर्य जी को अपने साथ में खड़ा कर लूंगा। इसलिए भाई साहब सिंह धनगर जी, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप चौधरी जी, प्रोफेसर रामवृक्ष वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई शुभकामना देता हूं। अपने बहुजन समाज के साथियों से इस बात की अपील करता हूं कि साथियों, बाबा साहब का मिशन, मानवर कांसी राम का मिशन, लोग कितना भी रोकना चाहें, लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा, जो हमारी धाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सामूहिक रूप से इसमें अनेकों प्रदेश के लोग आए, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, बिहार और झारखंड के भी हैं। इन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
हमारी आपकी कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, केवल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिलती रही और आप टेलीफोन करके हमारी टीम को अवगत कराते रहे कि मौर्य जी के इस साहसिक कदम के साथ हम भी हैं। आज यहां तमाम प्रदेशों के लोग आए, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम पार्टियों के प्रमुख है, इन सबको भी बहुत बधाई शुभकामना के साथ मैं आप सबको साक्षी मान करके अपनी नई पारी की शुरुआत करने चल रहा हूं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका सानिध्य, आपकी ताकत सदैव मुझे शक्ति प्रदान करती रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय स्वतंत्र, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, दो मिनट और रुकेंगे। अभी आपके बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप कुमार चौधरी साहब जी से चाहूंगा कि आप हमें अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। माननीय दिलीप चौधरी जी। सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग जो है खाना खा करके तब निकलेंगे। खाना खा लेंगे सभी लोग, बाहर ये लान में खाना लगा हुआ है, सभी कार्यकर्ता साथी खाना खा करके तब अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। धन्यवाद। बहुजन मूवमेंट के इस कारवां को अंजाम तक पहुंचाने का जो संकल्प आपने लिया है, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति की